तो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में और अनडैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में क्या अंतर है? हमने जितने SHM किए वो अनडैम्प्ड थे। अनडैम्प्ड का मतलब हमने एयर का फ्रिक्शन का लॉस लिया ही नहीं, हमने किसी भी क्वेश्चन में फ्रिक्शन का लॉस ही नहीं लिया। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप किसी भी SHM की मूवमेंट करवाते हो, चाहे वो पेंडुलम की हो, चाहे वो स्प्रिंग की हो, किसी की भी हो, वो एक बार स्टार्ट होगी वो एम्पलीट्यूड कम 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 करती करती रुकी जाएगी। तो ऐसी मोशन जिसके अंदर एनर्जी लॉसेज लिए जाते हैं उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो डैम्पिंग का मतलब ही ये होता है एनर्जी लॉसेज को कंसिडर करना। इसमें इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, चाहे वो एयर की या किसी भी मीडियम की, जिसकी वजह से SHM स्लो रहे, वो फ्रिक्शनल फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। जैसे याद है F=6πηRV, वो भी तो फ्रिक्शनल फोर्स थी बिकॉज ऑफ लिक्विड, वो भी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट थी। जितनी तेज पेंडुलम मूव करेगा एयर की फ्रिक्शन उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगाएगी रोकने के लिए, ऐसा इसका मतलब है। तो ये रूल है। नेक्स्ट है डैम्पिंग के अंदर जो हमने इक्वेशन की थी SHM की वो बस इतनी थी, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू -kx बस। लेकिन डैम्पिंग के अंदर एक और रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है, एक और फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है इसके साथ माइनस सम कांस्टेंट इनटू वी, क्योंकि जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है और कांस्टेंट हमने क्या लगा दिया, बी। बी का मतलब इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मीडियम के ऊपर बी डिपेंडेंट है। तो SHM की इक्वेशन विद डैम्पिंग ऐसी दिखती है, याद नहीं करनी है आपने, वैसे बता रहा हूं। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, सॉल्व करने के लिए आपको हायर मैथमेटिक्स आना चाहिए जो हमने नहीं किया, कैलकुलस आना चाहिए, इंटीग्रेशंस आनी चाहिए कॉम्प्लेक्स। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। तो SHM की इक्वेशन विद डैम्पिंग देखने में ऐसी होती है। इसके अंदर खास बात यह है कि एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट नहीं है। पहला एम्पलीट्यूड ए नॉट था, हर बार एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो इसके इक्वल रहती है। तो एम्पलीट्यूड समय के साथ, टाइम के साथ अपनी वैल्यू को डिक्रीज करता जाता है एक्सपोनेंशियली, पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर बहुत ज्यादा। तो ये फॉर्मूला है एम्पलीट्यूड का विद डैम्पिंग। मेंस और नीट में जब आया करता था क्वेश्चन तो इस फॉर्मूले पे आता था, वो आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है एम्पलीट्यूड की वैल्यू देता था, या पूछता था कि बताओ T=1/B सेकेंड पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, ऐसा कुछ। तो इसमें ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है, बिना डैम्पिंग के फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला आया करता था हमारे पास SHM में, विद डैम्पिंग ये फॉर्मूला आता है। तो वेयर K/M इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बिना डैम्पिंग के जो भी आपने ओमेगा निकाला उसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। हमने पूरा SHM नेचुरल फ्रीक्वेंसीज पे किया है। T=2π√L/G पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ω=√K/M स्प्रिंग मास सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो इसने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ इसको रिलेट किया, वेयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमने की थी √K/M। तो मतलब ओमेगा भी चेंज हो जाता है और एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है, ऐसा कुछ ये थ्योरी गिवन है। कुछ नहीं याद करना आपने, आप टेंशन से सुन लो बस, इतना ही सफिशियंट है। इसके अंदर एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा कम 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 होते होते जीरो हो जाता है, ये इसका डैम्पिंग की का वेव फॉर्म है। नेक्स्ट है फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, जैसे एक बच्चा झूला ले रहा है, इट्स अ नेचुरल पेंडुलम, झूला लेना T=2π√L/G। लेकिन प्रैक्टिकली जब झूला लेता है तो एम्पलीट्यूड कम 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 होते होते रुक जाता है। आप ये चाहते हैं कि उसका झूला वहीं जाए, एम्पलीट्यूड मेंटेन रहे हर वक्त। अगर मान लो 2 मीटर दूर जा रहा है झूला, तो 2 मीटर दूर ही जाए। डैम्पिंग ही हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पीछे से उसको धक्का लगाना पड़ेगा। तो जैसे वो बच्चा इधर जा रहा है, आप धक्का हल्का सा इधर लगा देते हो, जब इधर आ रहा है तो आप इधर लगा देते हो, आप ऑपोजिट नहीं लगाते, रुक जाएगा वो। हल्की हल्की साथ साथ फोर्स लगा के रखते हो ताकि एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट रहे। ऐसी ऑसिलेशन को बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस। आप एक्सटर्नल क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो कितनी फोर्स लगा रहे हैं, पीरियोडिक लगा रहे हैं। जब वो बच्चा इधर झूला ले रहा है तो पहले फोर्स ज़्यादा, फिर कम 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 जीरो, फिर देखो फिर इधर की फोर्स, फोर्स भी कॉन्टिन्यूसली साइनोसाइडली अपनी वैल्यू को क्या करती है,
चेन, तो कितनी फोर्स लगाते हैं, ऐसी कुछ फोर्स लगाते हैं। अब SHM की इक्वेशन, ये इतनी अगर मैं ये हटा दूं दोनों टर्म्स, तो ये नेचुरल SHM है जो हमने किया। अगर मैं सिर्फ ये टर्म लिखूं तो डैम्पिंग की आइसोलेशन जो है SHM है, और साथ में अगर मैं ये फोर्स लगा दूं तो डैम्पिंग को ओवरकम कर रहा हूं, तो ये SHM की नई इक्वेशन है। तो SHM की इक्वेशन ऐसी कुछ बन जाती है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा एम्पलीट्यूड इतना बड़ा बन जाता है, ये नया एम्पलीट्यूड है हमारा। आपने याद नहीं करना, अब आपके मेंस और नीट में नहीं आएगा, पर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कुछ आता था पहले। वेर ओमेगा नॉट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का मतलब फोर्स की फ्रीक्वेंसी। फोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि फोर्स का टाइम पीरियड और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड डिफरेंट है। तो अब एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ओमेगा ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो अगर ओमेगा और ओमेगा नॉट इक्वल हो गया, कहने का मतलब कि जो मैंने जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, फोर्स की फ्रीक्वेंसी भी वही लगा दी मैंने, इस कंडीशन को SHM में बोला जाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस तो रेजोनेंस का मतलब दोनों फ्रीक्वेंसीज क्या हो गई, मैच हो गई, फोर्स की भी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी मैच हो गई, तो इसको रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस के अंदर एक टर्म, एक चीज देखी गई है कि रेजोनेंस के अंदर जब रेजोनेंस होती है तो एम्पलीट्यूड बहुत बहुत हाई हो जाता है। मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं आपको कि एम्पलीट्यूड हाई होने का मतलब क्या है, कि जैसे सपोज करो कोई झूला ले रहा है, मैंने बताया आप क्या कर रहे हो कि आप झूला जो है वो बच्चा इधर को जा रहा है, आपने जबरदस्त उतनी फोर्स लगा दी जो उसकी नेचुरल थी इस तरफ ही। अब देखो बच्चा है ना, वो हो सकता है 2.5 मीटर तक आगे चला जाए, आपको फोर्स भी ध्यान से लगानी है। जब कोई बच्चा झूला ले रहा होता है, आपने देखा होगा कहीं ना, जबरदस्ती जान जान के फोर्स लगाते हैं उस तरफ ही, जिस तरफ जा रहा है उस तरफ जान के जोर की फोर्स लगाते हैं, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और कभी कभी हो सकता है वो बच्चा उछल के गिर भी जाए या झूला टूट भी जाए। हम बोलते हैं रेजोनेंस होगी, आपने रेजोनेंस नहीं करवानी, क्योंकि अगर आपकी रेजोनेंस हाई होगी या आपकी रेजोनेंस की कंडीशन, याद ऐसे बोलना चाहिए, अगर आपकी रेजोनेंस की कंडीशन हो गई, दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, तो एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाता है। लार्ज होने से कई बार वो इतना लार्ज हो जाता है कि वो टूट ही जाता है, झूला टूट गया। तो लार्ज मीन्स एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो गया, 2.5 मीटर नहीं, अब तो 20-40 मीटर हो गया, बहुत ही दूर जाके वो स्टूडेंट गिर सकता है। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन हो गई। तो याद रखना रेजोनेंस पे एम्पलीट्यूड बहुत हाई हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल इसमें मेंशनड है कि लंदन के अंदर एक ब्रिज था और वो डेवलप किया गया था 1930 में, जो कौन से साल में मुझे याद नहीं है, नेट पे मिल जाएगा आपको। वो ब्रिज बनाया गया और पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। ब्रिज जो बनता है किसी रिवर के ऊपर, वो झूलता रहता है, ठीक है, वो झूल रहा था, वहाँ हवा बहुत चलती है, हवा चली और हवा की फ्रिक्वेंसी भी ऐसी चली कि वो रेजोनेंस में होगी ब्रिज के साथ। ब्रिज जब नीचे जा रहा है तो वो हवा भी उसको नीचे लेके जा रही है, ब्रिज जब ऊपर जा रहा है तो हवा भी उसे ऊपर। अब झूला कुछ ज्यादा ही ऑसिलेट करने लग गया और इतनी तेज हवा चली, इतनी जबरदस्त रेजोनेंस हुई कि झूला टूट गया, ब्रिज टूट गया। रियल टाइम सिचुएशन है ये, तो ब्रिज टूट गया, तो क्या हो गई, रेजोनेंस हो गई, फोर्स, हवा ने फोर्स लगाई और उसकी फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ब्रिज की मैच कर गई। जैसे जब आर्मी के अंदर मार्च किया जाता है तो जब ब्रिज को क्रॉस करना है तो लेफ्ट राइट लेफ्ट कभी नहीं किया जाता, मार्च नहीं किया जाता उसके ब्रिजेस के ऊपर जो झूलते हैं, क्योंकि सारी आर्मी की बटालियन ने अगर उसको लेफ्ट पैर दबा दिया और झूला भी बाय चांस लेफ्ट ही जा रहा था, झूला लेफ्ट जा रहा है, पैर भी लेफ्ट उसको दबा रहे हैं, इकट्ठे दबा रहे हैं, तो देखो रेजोनेंस हो जाएगी, इनकी सोच मिल जाएगी और फ्रिक्वेंसी मैच करके झूला टूट सकता है, ब्रिज टूट जाएगा। तो कभी भी जब सोल्जर्स जाएंगे ब्रिज के ऊपर, वो रैंडम मोशन में जाएंगे ऊपर नीचे, ताकि फ्रीक्वेंसी मैच ना हो और रेजोनेंस ना हो। ये है आपकी फोर्स या डैम्पिंग के साथ SHM।